हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन की यूनिट ख़त्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट जो यूनिट है उसमें हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैग्नेटिक सर्किट का, वो है ट्रांसफार्मर। तो आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर, बेसिक इंट्रोडक्शन के ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो सबसे पहले तो नॉर्मली हम किसी भी स्टूडेंट से पूछें कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स का जवाब होता है कि ट्रांसफार्मर इज़ अ एसी टू डीसी कन्वर्जन डिवाइस या डीसी टू एसी कन्वर्जन डिवाइस, ऐसा कुछ आंसर देते हैं। सबसे पहले तो ये सब भूल जाओ कि ट्रांसफार्मर एक कन्वर्जन डिवाइस होती है। ट्रांसफार्मर कुछ भी कन्वर्ट नहीं करती है, ट्रांसफार्मर सिर्फ ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इसके नाम पे ही इसका मतलब छुपा हुआ है। अ ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस विच ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब दूसरी चीज़, आपने ट्रांसफार्मर को अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर में कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होता जो घूम रहा होता, मींस कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होगा, इसलिए ये रोटेटिंग मशीन के अंदर नहीं आता है। ये एक स्थिर विद्युत मशीन होती है, डिवाइस होती है। इसीलिए अ ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस, मींस एक स्थिर विद्युत मशीन होती है विच ट्रांसफ़र, जो कि क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइमरी बाइंडिंग से सेकेंडरी बाइंडिंग तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। एनर्जी का मतलब इधर पे इलेक्ट्रिकल पावर से है। ठीक है, तो ये प्राइमरी बाइंडिंग हो जाएगी मीन्स प्राथमिक कुंडली, और ये सेकेंडरी बाइंडिंग हो जाएगी मीन्स द्वितीयक कुंडली। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है जो ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर होता क्या क्या है, तो ट्रांसफार्मर में मेनली दो पार्ट होते हैं। एक होती है उसकी कोर, कोर मतलब वो हिस्सा जिस पे दोनों वाइंडिंग्स रखी होती हैं या सधी होती है। ठीक है, तो कोर ज़्यादातर पटलित क्रोड, आपने हिंदी में इसका नाम सुना होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि कोर जो होती है वो डायरेक्ट एक मटेरियल से न बना के छोटी छोटी पत्तियों से मिलके ऐसे पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है। ई शेप में पत्तियाँ होती हैं अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, सेल टाइप और कोर टाइप दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्रोड भी अपने अपने तरीके की बनी होती है। ठीक है, ये मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो कोर होती है ये जनरली बनी होती है सीआरजीओ स्टील की। किसकी, सीआरजीओ, जिसको कार्गो स्टील भी बोलते हैं। इसकी सीआरजीओ मतलब होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ये पर्टिकुलरली डायरेक्ट स्टील से ना बना के सीआरजीओ स्टील से इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें जो लॉसेस हैं या हीट अप ऑफ द कोर है वो मिनिमम हो और लॉसेस मिनिमम हो और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर इजीली ट्रांसफ़र हो जाए, इसीलिए हम इसको सीआरजीओ स्टील का यूज़ करते हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। इसमें एक प्राइमरी बाइंडिंग होती है, ये सेकेंडरी, ज़्यादातर ये कॉपर बाइंडिंग्स यूज़ होती हैं इसमें दोनों साइड। ठीक है, क्योंकि सबसे कम लॉसेस तो नहीं बोल सकते उसको, बट कॉस्टली भी नहीं होता कॉपर, और लॉस एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम कम होते हैं, इसीलिए हम इधर पे कॉपर मटेरियल का यूज़ करते हैं। प्राइमरी बाइंडिंग से सप्लाई दी जाती है और सेकेंडरी बाइंडिंग लोड से कनेक्ट होती है। लोड मीन्स हमारे हाउस होल्ड्स की बात है। ठीक है, जो हमारे घर होते हैं वो लोड कहलाते हैं, मीन्स जहाँ पे सप्लाई का कंजम्पशन हो वो लोड है, और जहाँ से सप्लाई आए वो सप्लाई स्टेशन होती है। ठीक है, तो प्राइमरी बाइंडिंग सप्लाई स्टेशन से कनेक्ट होती है और सेकेंडरी बाइंडिंग लोड से कनेक्ट होती है। जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर एक्शन के थ्रू, ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी करता है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। देखो, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता है दोनों बाइंडिंग के बीच, फिर भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। इसीलिए ये कैसे होता है, क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं जब हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर की खास बात ये होती है ये सिर्फ एसी पे वर्क करेगा, डीसी पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर ओनली वर्क्स ऑन एसी सप्लाई। क्यों होता है, तो इसका मतलब एसी है मतलब फ्रिक्वेंसी कुछ ना कुछ होगी, बिना फ्रिक्वेंसी के वर्क
नहीं करेगा, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ट्रांसफार्मर वर्क्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब ट्रांसफार्मर जो होता है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। वो फैराडेज लॉ तब वर्क कर सकता है जब सप्लाई बदले, मींस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्स में बदलाव आए। वो सिर्फ एसी में हो सकता है, क्योंकि एसी सप्लाई जो होती है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए डी फाइव बाई डी टी होगा, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस होगा और प्राइमरी से सप्लाई सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुँचती है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियरली देखने वाले हैं। तो इसीलिए कभी भी ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता, क्योंकि फैराडे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है डीसी सप्लाई पर। ये सिर्फ किस पे वर्क करेगा? एसी सप्लाई पे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है ट्रांसफार्मर का बेसिक इंट्रोडक्शन, कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई कि ट्रांसफार्मर एक स्थिर विद्युत डिवाइस होती है जो क्या करती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर करती है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो आई थिंक आपको बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, कि ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। ठीक है, एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि वो पेपर में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, ये भी आपसे एक्सटर्नल पूछेगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर एक स्थिर विद्युत डिवाइस है जो एनर्जी का ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। थैंक यू स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।